इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट में टीम इंडिया की बेहद बुरी हार हुई है। अंग्रेजों ने हर मोर्चे पर भारतीय टीम को कुचल दिया और अब टीम में बदलाव की मांग हर तरफ होने लगी है। इस बीच पांचवे टेस्ट मैच से पहले एशिया कप के लिए वनडे टीम के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अब तक पूरी सीरीज में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। सिर्फ विराट कोहली, रहाणे और पुजारा ही कुछ मुकाबला कर पाए हैं, जबकि ओपनर्स ने तो बुरी तरह निराश किया है। और अब इसीलिए फैंस ने पांचवे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा की एंट्री करा दी है। टेस्ट टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा को शामिल करने की मांग होने लगी है और सोशल मीडिया पर बकायदा इसके लिए कैंपेन भी चलने लगी है। खुद रोहित शर्मा कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि वो टेस्ट में भी ओपनिंग करने को तैयार हैं। ऐसे में अब फैंस इंग्लैंड में ओपनर्स के फ्लॉप शो के बाद रोहित शर्मा को बतौर ओपनर टेस्ट टीम में एंट्री चाहते हैं। रोहित शर्मा को शामिल करने के लिए जबरदस्त कैंपेन चल रही है। वैसे अगर रोहित शर्मा बतौर ओपनर टेस्ट टीम में खेलते हैं तो रोहित यहां भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैचों को सहवाग की ही तर्ज पर बदल सकते हैं।